भारत ने डिफेंस सेक्टर में तहलका मचा रखा है। एक के बाद एक मिसाइल और दूसरे हथियारों का सफल परीक्षण कर डीआरडीओ ने अमेरिका चीन की नींद उड़ा रखी है। अब इसी कड़ी में एक बार फिर से देश की सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए 3 नए जासूसी प्लेन तैनात करने जा रहा डीआरडीओ। दरअसल भारत को मेड इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत 3 नए जासूसी विमान मिलने वाले हैं। सूत्रों ने इंडिया टुडे को बताया कि दुश्मन के संचार और सिग्नल को रोकने की क्षमता से लैस इन 3 नए जासूसी विमानों को हासिल करने के प्रस्ताव पर रक्षा मंत्रालय अगले हफ्ते चर्चा करेगा। प्रस्ताव को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन यानी डीआरडीओ और भारतीय वायुसेना के बीच साझेदारी के माध्यम से क्रियान्वित किया जाएगा। इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट क्या है ये भी जान लीजिए। दरअसल इस प्रोजेक्ट का मेन टारगेट है भारतीय वायुसेना को क्षेत्र में एक मजबूत क्षमता प्रदान करना, और जब ये क्षमता बढ़ जाएगी तो चीन हो या पाकिस्तान दोनों पर भारत को बढ़त मिल जाएगी। और रुकिए, इसके साथ ही भारतीय वायुसेना ने चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं पर अपनी निगरानी क्षमताओं को बढ़ाने के लिए 6 नए स्वदेशी नेत्रवन निगरानी विमान खरीदने की योजना बनाई है। नेत्रवन एयरबोर्न अर्ली वार्निंग एंड कंट्रोल एयरक्राफ्ट प्रोग्राम ब्राजीलियाई एम्ब्रेयर विमान पर आधारित है। डीआरडीओ द्वारा विकसित 2 नेत्रवन विमान पहले से ही उसके पास है। वायुसेना कार्यक्रम के पुनरुद्वार के हिस्से के रूप में 6 और विमान खरीदेगी। इस बात की पुष्टि करते हुए सूत्रों ने बताया इंडिया टुडे को कि इस प्रोजेक्ट के तहत 6 नए विमानों का निर्माण डीआरडीओ द्वारा भारत में किया जाएगा और 8,000 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजना के हिस्से के रूप में वायुसेना को आपूर्ति की जाएगी। बता दें, भारत की पूरी कोशिश है कि दुनिया में ज्यादा से ज्यादा उपयोग होने वाले उपकरणों का निर्माण भारत में हो। मोदी सरकार ने इसके लिए सरकारी से लेकर दूसरे सभी सेक्टरों को प्रोत्साहन भी देना शुरू कर दिया है। लेकिन अब जिस तरह से भारत रक्षा के क्षेत्र में अपना दम दिखा रहा, उसके बाद चीन पाकिस्तान के खेमे में हड़कंप मचा हुआ है। चीन के खेमे में तो तहलका मचा है, क्योंकि चीन के रक्षा उपकरणों के मुकाबले भारत भी एक से बढ़कर एक हथियार बना रहा। अंतर सिर्फ इतना है कि चीन क्वांटिटी वाले हथियार बनाता है जो कबाड़ की तरह होते हैं, लेकिन भारत क्वालिटी वाले हथियार बना रहा, यानी भारत के हथियार चीनी हथियारों के मुकाबले काफी अच्छे और सटीक हैं। खैर कुछ भी हो, लेकिन अब जल्द ही ये तीनों ब्रह्मास्त्र भारतीय वायुसेना को मिलेगा और चीन पाकिस्तान और भी ज्यादा टेंशन में आ जाएंगे। अब देखना तो ये होगा कि जिस तरह से भारत आगे बढ़ रहा रक्षा क्षेत्र में, उसके बाद क्या एशिया में भारत नंबर 1 बन जाएगा। चीन को पटक कर आपका क्या कुछ कहना है कमेंट कर जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।